आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। और एक बार फिर मैं आपको तस्वीर तो देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए भी आप जहां पर पानी ही पानी हर तरफ भरा हुआ नजर आया, और ये दिल्ली में पहली बारिश के बाद जगह जगह पर जलभराव की स्थिति बन गई है। जैसा कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया, इलाका जो है ये पानी से भरा हुआ है, निकलने की कोई व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि सड़क जो है ऊंची है। और एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए अब यहां से अगर कोई निकलना चाहे, और ये इसी कोठी का हाल नहीं, इसके अलावा भी इंतजार कर रहे हैं अभी कि संसद की कोई गाड़ी, जैसा कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, वो आ जाए या NDMC से कोई आ जाए। लेकिन एक बार जरा तस्वीरें दिखाई यहां से एक बार और, किस तरह से ये तालाब बना हुआ है। सर से बात कर, सर दिखाने लगे अंदर, उसमें पानी रिस रहा है ना। देखो ऐसा कि रिकॉर्ड नहीं किया लाइव, उसमें क्या होता जितना सब। और उधर वो है क्या नाम है, तो देख सकते हैं ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, दोनों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या हालात एक बारिश के बाद बन गए हैं। यहाँ पर रामगोपाल यादव के घर के बाहर भी पानी ही पानी भरा हुआ नजर आया, तालाब के में तब्दील हो गया ये पूरा इलाका। और दूसरी तस्वीर के जरिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरह बोरियों पर चढ़कर जाना पड़ा। SP के राज्यसभा के सांसद हैं रामगोपाल, और किस तरह से उन्हें वहाँ से निकाला गया वो आप देख सकते हैं। तो हर जगह पर दिल्ली का यही हाल है, प्रशासन के दावों की पोल खुलकर सामने आ गई है। घुटनों तक भरे हुए पानी में रेंगने के लिए, चलने के लिए मजबूर हो गए हैं लोग, और यही हाल सांसदों का भी है। तो पानी पानी हो गई है राजधानी दिल्ली, हर तरफ नजर आ रहा है सिर्फ पानी ही पानी, और सड़कें तालाब बन गई हैं। और दिल्ली में रामगोपाल यादव के घर के बाहर भी यही नज़ारा दिखाई दिया। सर आपको पार्लियामेंट जाना है, जा पाएंगे क्या लग रहा है? वो हमारी गाड़ी तो निकल ही नहीं पाएगी, क्योंकि अगर वो हम गेट पे जो अपने बैरियर लगाया है वो अगर खोल देंगे तो एक मिनट में सारा घर भर जाएगा, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा पानी है। अंदर से पानी जो निकास है वो इसलिए नहीं खोल सकते कि वो तो सड़क का पानी यहाँ से भी आना शुरू हो जाएगा। तो अब कोशिश करेंगे, कोई पार्लियामेंट से कहा है मैंने 10 बजे तक कोई गाड़ी अगर आ जाएगी तो उससे चला जाऊंगा। क्या किसी NDMC से या जो लोग जिम्मेदार हैं? 4 बजे से मैं कोशिश कर रहा हूँ, 4 बजे से, और तमाम लोगों से बात की। एक कोई IAS हैं, अप्पू या पप्पू कुछ ऐसा ही नाम है, उनसे भी की, चीफ इंजीनियर काक भेजेंगे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो सेक्रेटरी हैं IAS सुरेंद्र सिंह, उनका टेलीफोन भी आया था कहीं से, किसी ने कहा होगा, उन्होंने कहा अभी चीफ इंजीनियर पहुंच रहे हैं 5 मिनट में, उनको 1 घंटा हो गया। फिर उनका टेलीफोन आया, कोई आया कि नहीं आया, कोई आया नहीं। सब हाई अप्स भी जब हायर अप्स के अधिकारी कह रहे हैं, इसके बाद भी NDMC का कोई केयर नहीं कर रहा है। देखिए पहले तो मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, प्रोफेसर रामगोपाल यादव राज्यसभा में नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो अपने घर में बंधक हैं इस समय। जरा तस्वीरें देखिए, सबसे पॉश ये बाजार है खान मार्केट, और खान मार्केट के सामने की जरा तस्वीरें आप देखिए, एक पेड़ गिर गया है और उसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम हो गया है, पूरा रास्ता बंद कर दिया गया, और सारे मंत्रियों और सारे बड़े जो सांसद हैं उनका ये आवास है एक तरफ से, और पूरा पानी भर गया। जरा मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए प्रोफेसर रामगोपाल यादव का जो घर है वहाँ पर कैसे उन्होंने इंतजाम किए हैं पानी से बचने के लिए, लेकिन उसके बावजूद देखिए दूसरी तरफ मैं अगर आपको दिखाता हूँ, इधर जाना पड़ेगा मुझे, वो अपने घर में बंधक है, और किस तरह देखिए ये पानी कितना अंदर भी भरा हुआ। जरा आइए कमल देव जी, और सीधे उनके घर में चलते हैं, दिखाते हैं कि उनको संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने जाना है, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने वाले हैं, लेकिन वो अपने घर में, और उनके पुत्र जो है फिरोजाबाद से सांसद चुने गए अक्षय यादव, वो भी यहीं पर हैं। और ये पूरा जो इलाका है ये देखिए, जरा ये कोठी है उनकी, और काफी अरसे से है ये, देखिए इसमें चलना मुश्किल हो रहा है, लगभग एकदम जैसे लग रहा है कि नदी बन गया। और ये देखिए जो जेनसेट आए हुए हैं, जनरेटर आए हुए हैं कि पानी निकाला जाए, वो उनकी अपनी व्यवस्था है। कुर्सियां जो है आपको थोड़ी बहुत दिखाई दे रही होंगी, पूरा लबालब पानी से भर गया है ये खान मार्केट के सामने, पॉश इलाका इसको कहते हैं, वो इलाका है। देखिए घर के अंदर की हालत देखिए।
तो दिल्ली की अजान मार्केट में एक बस फंसी हुई है। सीधी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। पहली ही बारिश में दिल्ली पानी पानी हो गई थी। और ये देखिए आप तस्वीर जहां पर एक बस फंसी हुई नजर आ रही है अंडर ब्रिज के नीचे और रेस्क्यू किया जा रहा है बस को। तो ये हालात हो चुके हैं दिल्ली में पहली ही बारिश के बाद। प्रशासन ने जो मानसून से पहले तमाम इंतजामों के दावे किए थे उनकी पोल खुलकर सामने आ गई है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह के इंतजाम निकासी को लेकर किए गए थे पानी की निकासी को लेकर। तो वाटर लॉगिंग की समस्या इतनी ज़्यादा यहाँ पर सामने आई है, लोग तो परेशान हुए, बल्कि एक बस भी, यानी कि छोटे वाहन तो यहाँ से गुजरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बड़े बड़े वाहन भी, बस जैसे बड़े वाहन भी यहाँ पर फंसे हुए नज़र आए। तो अंडरपास में फंसी हुई बस को आप देख सकते हैं रस्सी के ज़रिए रेस्क्यू किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है और जो बस में यात्री फंसे हुए हैं उन्हें भी एक एक कर निकालने की कवायद जारी है और बस में फंसे यात्रियों को भी निकाला जा रहा है। दिल्ली की आज़ाद मार्केट की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर बस में फंसे हुए यात्रियों को निकाला जा रहा है और किस तरह से बस फंस गई है वो आप देख सकते हैं। तो ये हाल हो गया है दिल्ली का पहली ही बारिश में। कुछ ही घंटे की ये बारिश और कुछ ही घंटे की बारिश में पानी पानी हो गई दिल्ली, चारों तरफ तालाब बना हुआ नजर आ रहा है। तो भारी बारिश की वजह से दिल्ली में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और हालात आपको समझाते हैं। दिल्ली के कई पॉश इलाके भी ऐसे हैं जो पानी पानी हो गए हैं। हम आपको संसद भवन, कनॉट प्लेस, केंद्रीय सचिवालय, रायसीना रोड, शास्त्री भवन, उद्योग भवन, नेशनल मीडिया सेंटर, राजेंद्र प्रसाद रोड दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। फिलहाल इन 3 तस्वीरों पर सबसे पहले नज़र डालिए जहां पर झमाझम बारिश के बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, चाहे वो जाम की बात हो। ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला क्योंकि जलभराव की वजह से कई जगहों पर कार डूबी नजर आई। आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में, पहली तस्वीर एक कंटेनर पूरी तरह जलमग्न हो गया। तो बारिश ने दिल्ली को तालाब बना दिया और गाड़ियां भी फंस गईं। लोग अपने घरों से निकले थे अपने गंतव्य पर जाने के लिए लेकिन पहुंच नहीं पाए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं वो 8 तस्वीरें, दिल्ली की वो 8 तस्वीरें जो बारिश के बाद हालात खराब करती हुई दिखाई दी। तो दिल्ली के कई पॉश इलाके पानी पानी हो गए हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं संसद भवन, कनॉट प्लेस, केंद्रीय सचिवालय, रायसीना रोड, शास्त्री भवन, उद्योग भवन और नेशनल मीडिया सेंटर, राजेंद्र प्रसाद रोड दिल्ली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो इन 8 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं क्या हालात हो चुके हैं और बारिश ने दिल्ली को तालाब बना दिया है। तो ये 6 तस्वीरें भी अब आप देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट, मिंटो रोड, कनॉट प्लेस, त्रिमूर्ति मार्ग, एनएमसी और शांति पथ की तस्वीरें, इन सभी जगहों पर आप देखिए किस तरह से पानी पानी हर तरफ नजर आया, सड़कें तालाब बन गई, ट्रैफिक की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ा। तो दिल्ली के अलग अलग जगहों की तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है और बता रहा है कि क्या हाल हो चुका है दिल्ली का सिर्फ एक बारिश के बाद। मानसून की ये पहली बारिश है और कुछ ही घंटे की बारिश ने प्रशासन के उन तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है जो दावे पहले किए जा रहे थे कि मानसून को लेकर फुल तैयारी कर ली गई है, जबकि तैयारी कितनी है वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं गाजियाबाद से, हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित राणा के पास चलते हैं। अमित, गाजियाबाद की क्या है तस्वीर जरा दिखाइए कि क्या वहां पर भी हालात ऐसे ही हैं। दिल्ली में हमने देखा कि सड़कें तालाब बन चुकी हैं।
शीनम आपको बताना चाहूंगा, जहां एक तो तपती गर्मी से लोगों को बारिश से राहत मिली थी, वो राहत वाली जो बारिश है वो आफत की बारिश बन चुकी है। वजह है लगातार यहां पर जिस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट, यहां देख सकते हैं आप, और ये तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहां पर ये वाहन यहां से गुजर रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से यहां गड्ढे हैं और गड्ढों में ये वाहन जा रहे हैं और जगह जगह जल भराव की स्थिति यहां देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से जो वाहन चालक है वो अपनी गाड़ी को संभाल कर चल रहे हैं। अभी ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल डायमंड फ्लाईओवर का कट है उसके पास की तस्वीरें हैं और देख सकते हैं कैसे गाड़ियां जो हैं वो जलमग्न रास्तों से गुजर रही हैं। ऐसे में कई हादसे भी यहां पर हुए, जो टू व्हीलर वाले लोग थे उनको भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, जो राहत की बारिश थी वो लोगों के लिए आफत की बारिश बनती जा रही है। वजह है नगर निगम की तरफ से की गई तमाम जो वायदे किए जाते हैं, जो कवायदे की जाती हैं वो सिर्फ फौरी तौर पर की जाती हैं, फाइलों में की जाती हैं, लेकिन पहली ही बारिश ने इस बात को धोखा रख दिया कि नगर निगम के तमाम जो दावे हैं उनकी पोल खोल कर रख दी है। ये स्थिति सिर्फ गाजियाबाद के इस फ्लाईओवर की नहीं है, जो पौश इलाके यहाँ के हैं, चाहे वो राजनगर हो, चाहे वो कवि नगर हो, चाहे वो नेहरू नगर हो, तमाम जगह ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। और सुबह सुबह का ये वक्त है, ये वो वक्त है जब लोग बाग अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए जाते हैं, चाहे वो उनका ऑफिस हो, चाहे अन्य बिजनेस के लिए जा रहे हो। ऐसे में उन्हें इस बारिश के चलते जगह जगह जल भराव मिल रहा है, जो उनका मिनटों का सफर था उन्हें अब घंटों में तय करना